Nitish Kumar will meet Rajpal shortly. So that is the latest that is coming in at this point of time. My colleague Naveen Nishant still with us on the broadcast. Naveen, what more details can you share with our viewers? All right, I think we've lost our connection over there. But in fact, still with us on the broadcast, and I'm in fact going to rope in Mr. Dharmendra Pandey, political analyst. So, of course, breaking developments coming in. We're learning that Nitish Kumar will meet the governor shortly. I mean, what do you make of this development that is coming in at this point of time? What does it truly mean? देखिए, ये आज जो है, जैसा अभी खुद विक्रम जी कह रहे थे, हमने अभी गणतंत्र दिवस मनाया है और राजनीति में अवसरबाजिता और अवसरबाजिता के इससे बड़ा उदाहरण और कुछ मिल नहीं सकता है कि नीतीश कुमार दो बड़ी पार्टियों को जो वहां पे जो है नंबर में जो है अधिक है और नीतीश कुमार जो है सबसे तीसरे नंबर की पार्टी है वहां पे और उसके बाद पूरा जो है भाजपा को भी और जो है आरजेडी को भी अपने मतलब के हिसाब से कठपुतली की तरह नचा रहे हैं। मुझे आज हंसी छूट रही है भाजपा के उन बड़े नेताओं के ऊपर जो अभी तक ये कहते थे कि नीतीश कुमार का दरवाजा जो है वो हमेशा के लिए भाजपा में बंद है, लेकिन आज वो किस तरफ जाएंगे, किसको मुंह दिखाएंगे, कैसे मीडिया से बात करेंगे, कैसे वो बिहार के लोगों से बात करेंगे या जनता से क्या बात करेंगे। अगर बात करें देश के गृह मंत्री और भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह जी, तो वो भी बिहार गए तो उन्होंने भी कहा कि नीतीश कुमार जी के लिए अब भाजपा में कोई जगह नहीं है। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या भाजपा को सत्ता की इतनी लालच हो गई है कि एन के प्रकरण किसी भी तरह कोई भी हो किसी भी तरह से अगर इस तरह से है तो ये जो लोग कहते हैं आज सवाल उठता है कि महबूबा मुफ्ती के साथ भाजपा ने गठबंधन कर लिया था सत्ता के लिए, तो मुझे तो ऐसे लगता है महबूबा मुफ्ती से ज्यादा खतरनाक तो मुझे नीतीश कुमार राजनीति में नजर आते हैं, जिनकी बात का, जबान का, जिनकी कोई भी राजनीतिक बयान का या राजनीतिक वादे का जो जिसका कोई असर ही नहीं है। मुझे ये देख करके आश्चर्य हो रहा है कि देश के इतिहास में मुझे लगता है पहली बार कोई मुख्यमंत्री जो सबसे ज्यादा शपथ लेगा, कार्यकाल की बात नहीं कर रहा हूं, एक ही कार्यकाल में सबसे ज्यादा शपथ लेने वाला मुख्यमंत्री का रिकॉर्ड जो है वो नीतीश कुमार बनाने वाले हैं। और उस किसके सहयोग से, कभी लालू की आरजेडी की पार्टी से और तो कभी जो है भाजपा के जो है सहयोग से। मुझे हंसी आती है और मुझे आश्चर्य भी होता है भाजपा के नेताओं के ऊपर और भाजपा की सत्ता लोलुपता के ऊपर, क्योंकि भाजपा जिस तरीके से सत्ता के लिए और सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए, और अभी आपके ही माध्यम से अभी सुना कि जो है और पहले भी जानकारी आ रही कि मोदी जो है सुशील कुमार मोदी फिर से उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि बिहार में जो इतने बड़े बड़े नेता जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष को ले आए, सम्राट चौधरी को लाए और भी सारे नेता हैं, तो क्या सुशील मोदी यहां भी मुझे लगता है कि नीतीश कुमार के दबाव में केंद्रीय नेतृत्व झुक करके सुशील मोदी को बिहार भेजने की तैयारी कर रहा है? तो अभी सवाल ये भी है कि इस तरह के जो है राजनीतिक घटनाक्रम को लोकतंत्र में मुझे लगता है इससे ज्यादा कलंकित बात और कुछ नहीं है कि राजनीति में आदर्श की बात, आदर्श तो अब रहा ही नहीं है। आदर्श राजनीति में किसी भी तरह की शुचिता, आदर्श की कोई भी स्थान मुझे लगता है बिहार की राजनीति में नहीं बचा है। राजनीतिक दलों में या राजनीतिक पार्टी के जो प्रमुख है वो किसी भी तरीके से सत्ता में साथ बने रहना चाहते हैं और उसमें भारतीय इतिहास के सबसे गैर जिम्मेदार और सबसे ज्यादा जो है पाला बदलने वाले। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.